हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द वीक वॉट ऑन इसराइल से इंडियंस की वापसी को फैसिलिटेट करने वाले इंडियन आर्मी ऑपरेशन का नाम क्या है द आंसर इज डी ऑपरेशन अजय वी ऑल नो इसराइल और हमास दैट इज गाजा में युद्ध चल रहा है विच इज स्टार्ट ऑन सेवंथ अक्टूबर कई इंडियंस हैं जो इसराइल में रहते हैं उन्हें रेस्क्यू करवाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय इसमें ना सिर्फ इंडियन बल्कि नेपाली सिटीजन्स को भी इंडियन गवर्नमेंट वापस ला रही है इस मिशन के लिए टाटा की टेलो की फोर फ्लाइट्स ऑपरेशनल हैं इसराइल में कार्यरत इंडियन एम्बेसी वहाँ पे फंसे हुए इंडियन सिटीजन को हेल्प कर रही है उन्हें वापस इंडिया पहुँचाने में मदद कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन डूम्सडे वेपन ऑफ इसराइल इनमें से किस मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड है द आंसर इज जेडिको मिसाइल प्रोग्राम जेरिको मिसाइल प्रोग्राम इसराइल मिलिट्री कैपिलिटीज का एक इंटीग्रल पार्ट है इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी जब इसराइल और फ्रेंच कंपनी सॉल्ट ने पार्टनरशिप करके से शुरू किया था बट लेटर फ्रांस विद्रुईत सपोर्ट्स और इसराइल 1969 से अकेले ही इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स गॉट लिव हु इज़ एन इसराइली लॉयर और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन की लिकट पार्टी की मेम्बर है उन्होंने ट्विटर जिसे आजकल एक्स कहते हैं उस पर कई पोस्ट करते हुए ये शो किया है कि इसराइल कैन कंसिडर न्यूक्लियर वॉरफेयर इफ रिक्वायर्ड एज एन आल्टर टू डिप्लॉय लार्ज ग्राउंड फोर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस इंडियन इंस्टीट्यूट को यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर टॉप रैंक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स से सम्मानित किया गया है द आंसर डी आई सी ए आई आई सी ए आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक स्टैचूटरी बॉडी है 1949. इसका काम है इंडिया में चार्ट अकाउंटेंसी दैट सी ए के प्रोफेशन को रेगुलेट करना आईसी आई पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबरशिप एंड नंबर में ए आई सी पी एच इज ऑन टॉप अंक टैड दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने आई सी ए आई को ऑनर किया ड्यूरिंग द एथ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एयरपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है द आंसर इज सी कैंपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट PIA is in Bangalore and got award mila hai for their exceptional commitment to on-time departure and an impressive travel experience for the passengers. This ranking is as per the report published by aviation analytics firm Serium. Next Question In Which country May best pension system hai as per Global Pension Index 2023? The answer is D. Netherlands, a Norwegian country Recently, 15th annual merker CFA Institute Global Pension Index एम सी रिपोर्ट रिवील की गई है जो कि रैंक करती है रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को इन वेरियस कंट्रीज़ इंडिया का जो रिटायरमेंट सिस्टम है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एडिक्वेसी एंड सस्टेनेबिलिटी सब इंडस्टिस इंडियन रिटायरमेंट सिस्टम के दो कॉम्पोनेंट्स हैं पहला जिसमें एम्प्लॉय खुद अर्न करके अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करता है और दूसरा जहाँ पे गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है तो अर्निंग रिलेटेड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का नाम है डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डीसी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ई पी एफ ओ एंड सप्लीमेंट्री एम्प्लॉय मैनेज पेंशन स्कीम वहीं सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बेनिफिट करता है अनऑर्गनाइज सेक्टर को एज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम एक अच्छा पेंशन सिस्टम होना किसी भी कंट्री की ओल्ड एज पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस देता है हम जानते हैं ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ में आफ्टर सर्टन एज उनका पूरा ध्यान सरकार ही रखती है

टू रजिस्टर विद द इंडियन मार्केट्स रेगुलेटर as अ Foreign पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI)। The answer द आंसर इज बी स्पर बैंक ऑफ Bank स्पर बैंक ऑफ रशिया एक्सचेंड लोन बैंक है जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है और हाल ही में इसने रजिस्टर किया है विद द इंडियन मार्केट्स रेगुलेटर फॉर अ कैटेगरी वन एफ पी आई लाइसेंस कैटेगरी वन लाइसेंस मिलने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट बैंक विल फॉलो लेस दिनियन बेनिफिशियल ओनरशिप डिस्कलोजर कैन सब्सक्राइब टू ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जहां पे इंडियन स्टॉक्स हैं एज अंडरलाइंग एंड ऑल्सो इंजॉय सर्टेन टैक्सेशन बेनिफिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस कंट्री को इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप मिली है फ्रॉम अक्टूबर 2023 ट्वेंटी टू ट्वेंटी द आंसर इज बी श्रीलंका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1997 में इंडियन ओशन के चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाली स्टेट्स की ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस है इन सभी स्टेट्स के बीच में सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना इसके कुछ 23 मेंबर्स हैं फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स लाइक अफ्रीका वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशनिया और ग्यारह डायलॉग पार्टनर्स हैं पिछले दो साल तक इसकी चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास थी और अब आने वाले दो सालों के लिए श्रीलंका के पास होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नया नाम क्या है द आंसर इज बी नमो भारत नवो भारत का पुराना नाम था रैपिड एक्स और इसका काम है रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना नवो भारत इस पार्ट ऑफ़ इंट्रोडक्शन ऑफ द रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस आर इन इंडिया आर एक नया तरीके का रेल सिस्टम है जो कि इंटरसिटी ट्रैवल को फास्टर और कन्वीनियंट बनाता है ये ट्रेन फ्रीक्वेंटली रन करा करेगी और इनकी स्पीड भी कुछ 100 किलोमीटर पर के आर के आसपास रहेगी चार्जेस आर आल्सो मिनिमल फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ तो इस तरह के जो ट्रेन सिस्टम है कि इंटरसिटी माइग्रेशन को रोकने में हेल्प करेगा इट विल गिव मोर स्टेबिलिटी टू पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द डेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज सी सेवनटीन्थ अक्टूबर अगर हम डेफिनेशन की बात करें पावर्टी का मतलब है ऐसे लोग जिनके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरे करने के लिए रिसोर्स नहीं हैं जिनकी एब्सोलूट टर्म्स में इनकम एक दिन में दो डॉलर से भी कम है जन को ऑब्जर्व किया जाता है बाई यूनाइटेड नेशंस ताकि लोगों में जागरूकता फैले हाउ पॉवर्टी इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ नीड ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन टू रेडिकेट पावर्टी इंडिया में पहली बार वी एम डांडेकर और एन रथ ने सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ पावर्टी किया था बेस्ड ऑन द एन एस एस नैशनल सैम्पल सर्वे डेटा बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी में फोर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी काफ़ी है बट काफ़ी तेजी से डिक्रीज भी हुई है टू नाइनटीन पॉइंट टू एट परसेंट इस साल इस डे की थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज ए सिक्सटीन अक्टूबर द डे इज ऑब्जर्व बाई एफ एट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका इस्टेब्लिश किया गया था सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव में दैट इज वाई द डेट इज सिक्सटीन अक्टूबर एफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंटरनेशनल एफर्ट्स द्वारा हंगर को डिफ़ीट करना न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और फूड सिक्योरिटी मेनटेन करना इन द ग्लोबल सिनारियो जहाँ पे जगह जगह वॉर चल रही है फूड प्राइसिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है टू वर्ल्ड हंगर एंड वर्क टूवर्ड्स its eradication. देर आर मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड जो एक दिन की मील भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें न्यूट्रिश फूड पहुँचाने की जरूरत है इस साल इस दिन की थीम है वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड लीव नो वन बिहाइंड मीन्स इस साल फूड सिक्योरिटी का फोकस वाटर के थ्रू है वाटर इज द बेसिक रिसोर्स टू ग्रो फूड तो वाटर पर भी फोकस किया जाएगा और फूड पर भी फोकस किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व किया जाता है द डांसर डी फिफ्टीन अक्टूबर रूरल एरियाज़ में लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है लोग अनएजुकेटेड और अन होते हैं वहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है दैट इज़ वाई दिस डे प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी और हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाई वेमेन इन द रूरल एरियाज़ रूरल एरियाज़ में वमेन अपने हाउस होल्डर कम्यूनिटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन अचीविंग फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जनरेटिंग इनकम इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स एंड ओवरऑल वेलबींग उसके बावजूद भी वो कई प्रकार के स्ट्रक्चरल कंस्ट्रं फेस करती है जिसकी वजह से दे कैन नॉट इन्जॉय देयर फुल ह्यूमन राइट्स इस सारे इस दिन की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज़ डी फिफ्टीन अक्टूबर फिफ्टीन अक्टूबर नाइनटीन इस दिन जन्म हुआ था भारत के महान एरोस्पेस साइंटिस्ट पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का द डेज ऑब्जर्व टू टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एंड एजुकेशन ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी स्टूडेंट्स प्रेजिडेंटशिप का टेन्यूर ख़त्म होने के बाद ही बिकेम अ विजिटिंग फैकल्टी एट द आई एम शिलोंग आई एम इंदौर एंड आई एम अहमदाबाद इस साल इस दिन की थीम है फेल

इसके बाद सी आर पी एफ थर्ड बटालियन की थ्री यूनिट्स डिस्पैच की गई थी ऑन सेपरेट पैट्रोल्स टू अ लोकेशन हॉट स्प्रिंग्स सो एज टू कीप एन आई ऑन इंडो चाइना बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख हावेर इन तीनों में से एक कंटिजेंट जिसमें कि दो पुलिस मैन और एक पोर्टर था इट डिड नॉट रिटर्न सो दिस डे ट्रिब्यूट एंड ऑनर द दर्टिस्ट ऑफ इंडिया कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इनमें से किस तारीख को नेशनल सोलडरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है द आंसर इज बी ट्वेंटी अक्टूबर सोलिडारिटी का मतलब होता है एकता इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आर्म्ड फोर्सेस को सम्मानित किया जा सके द डेट हैज़ बिन चोजन बिकॉज इस दिन 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी एंड इंडिया वॉज डिफेटेड बाई चाइना देन इन 1966 इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उन्होंने एक कमिटी सेटअप की जिसका पर्पज़ था इस युद्ध में लड़ने वाले सोल्जर्स और जो सोल्जर शहीद हो गए हैं उनके परिवार को सम्मान देना ऑनर करना सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ डो नॉट फॉर गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग जय हिंद जय भारत तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रैप में तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू